तो सभी का स्वागत है दूसरे दिन में मॉडर्न 75 हार्ट में। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि पूरा दिन ट्रैवल करते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर कोचिंग जाते हैं, जो एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, दूसरी कोचिंग तीसरी कोचिंग। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ 75 हार्ट डे, तो हमारा चल ही रहा है मॉडर्न 75 हार्ट डे, तो चल ही रहा है हमारा। साथ में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डाइट कैसे करनी है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने घर से बाहर रहता हूँ। तो आज दिखाऊंगा मैंने क्या परचेज करना है और कैसे क्या कंज्यूम करना है। तो इस वीडियो में बने रहें, तब तक लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भैया डाइट्रेस वगैरह के 2 पैकेट दही दे दीजिए। सो अभी हम लोगों ने 250 ग्राम दही और केले ले लिए हैं। मैं कार्ब बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि कार्ब्स हम लोग ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आप 1 से 2 बनाना यूज़ करना और 250 ग्राम दही ले रहा हूँ, दही थोड़ा कम भी ले सकते हैं। ये हम लोगों की फर्स्ट मील, तो चलते हैं हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मील पे देखते हैं क्या हम लोग लेंगे। कोई भी शॉप में जाके 4 अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं, और साथ मैंने लिया है 100 ग्राम मटन बॉयल है सब कुछ। तो आते हैं और चलते हैं नेक्स्ट मील की तरफ। सो अब वक्त हो चुका है हम लोग की दिन की तीसरी मील लेने का। मैंने इसको बहुत ही सिंपल किया, ऑनलाइन मंगाया अरहर की दाल और चावल। आप अरहर की दाल के मिक्स दाल मंगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर मैंने अरहर की दाल मांग रखी हुई है। तो हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट मील की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको जो मैंने 4 डाइट बताने वाला हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप बाहर दिन में बाहर खा सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको पढ़ लेना। तो मैं इसको खत्म करते हैं, फिर चलते हैं अपनी चौथी और आखिरी मील की तरफ। तो अभी वक्त हो चुका है हम लोग के नेक्स्ट मील का, और हम लोग खाएंगे अब मिस्सी रोटी, पालक पनीर और चावल। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, मैं बाहर हमेशा यही खाता हूँ। सो मैं अपना खाना एंजॉय करने जा रहा हूँ, तक आप लोग अपने नोट्स बना लो। तो अभी हम लोग की सुबह से रात हो गई, हम लोगों ने पूरी डाइट दिखा दी हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें तो डोसा खा सकते हैं, ऑयल फ्री डोसा। किसी से भी बोल दोगे ना कि ऑयल बिना ऑयल की डोसा बना दो, आराम से बना देगा आपके लिए। और ऑप्शन है हम लोग के पास पोहा, ऑयल फ्री पोहा सुबह मिलता है सबके साथ, सबको आपको पता है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि चाहे आप घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे हॉस्टल में हो, चाहे कॉलेज हो, कोचिंग हो, आप बाहर रहकर भी अपनी डाइट पूरी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ 75 डेज तक।